हेलो एनजेमसी की मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विजय छेत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपने लाइफ से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण बात को, और वो है विश्वास। दोस्तों, क्या कभी आपने अपने विश्वास को चेक किया है? इस संसार में जितने भी लोग हैं सब अपने अपने आस्था में विश्वास जरूर करते हैं, अपने अपने भगवानों को जरूर तहे दिल से विश्वास करते हैं, है ना। इसलिए आज हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं किसे मान रहा हूँ, क्यों मान रहा हूँ, और क्या मैं जिसको भी मान रहा हूँ क्या वो विश्वास के लायक है या मैं खुद ही नालायक हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विश्वास क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और हमें कौन सा विश्वास करना चाहिए और कौन सा नहीं, और विश्वास कहाँ से आता है, विश्वास कैसे बढ़ता है, उन सभी प्रश्नों से रिलेटेड बातों को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। आई होप आप भी इस वीडियो को अंत तक देखकर अपने इस विश्वास को जरूर चेक कर ठीक करना चाहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, क्या कभी आपने अपने विश्वास को डगमगाते हुए अनुभव किया है? क्या कारण है कि लोग अपने विश्वास से भटक जाते हैं? कमज़ोर विश्वास या गलत चीज़ों पर विश्वास ही वो कारण है जिसके चलते लोग अपने विश्वास से भटक जाते हैं। दोस्तों, धर्मशास्त्र भी यही कहता है कि हमें अपने विश्वास को अवश्य जांचना चाहिए कि मैं किसको विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि सभी धर्म कहते हैं कि भगवान एक ही है, यानी इस ब्रह्मांड को बनाने वाले सृष्टिकर्ता सिर्फ एक ही है, और यदि कोई भगवान है तो उन्हें सच्चा होना चाहिए, है ना। ही मस्ट बी ट्रू परफेक्ट एंड होली, यानी पवित्र और सिद्ध होना चाहिए, उनमें कोई भी अपवित्रता या अशुद्धता या पाप स्वभाव नहीं होना चाहिए। यदि ये गुण किसी में नहीं है तो वो अवश्य झूठा होगा, और हम भी उन्हें विश्वास कर कहीं ना कहीं अंधकार में भटक रहे होंगे। इसलिए आइए अपने विश्वास को बारीकी से चेक करें। तो सबसे पहले जानें विश्वास क्या है। यूँ तो विश्वास के बहुत सारे डिफिनेशन हैं, और हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दूसरा प्रश्न, विश्वास कितने प्रकार के होते हैं? खासकर विश्वास दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई और स्थाई विश्वास, यानी कि टेम्पररी एंड परमानेंट फेथ। क्या आप जानते हैं बहुत सारे लोगों का विश्वास कमज़ोर होने या विश्वास डगमगाने का मुख्य कारण है टेम्पररी विश्वास, यानी अस्थाई विश्वास। अब जानें अस्थाई यानी टेम्पररी विश्वास क्या है। अब टेम्पररी विश्वास बहुत प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर चंगाई का विश्वास, आप जिस भगवान को विश्वास करते हैं यदि वो आपको चंगा कर दे तो आप उनको पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन ये एक टेम्पररी विश्वास है, क्योंकि हम एक ऐसे पापमय संसार में हैं जहां हर किसी को दुख तकलीफ का सामना अवश्य करना पड़ता है। इसी कारण यदि वो बीमारी फिर से आपके जीवन में आ जाए तो आपका विश्वास डगमगाने लगता है और आप उस ईश्वर को त्याग कर बैकसाइड भी हो सकते हो। टेम्पररी फेथ का और एक उदाहरण, हम सांसारिक आशीषों का विश्वास भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपका बिजनेस डाउन हो रहा था, तभी कोई आपको कहता है कि उस मंदिर में जाओ या उस खुदा के पास जाओ, और आप जाते हैं और किसी एक भगवान के नाम पर प्रेयर करने पर आपका बिजनेस एकदम से चल पड़ता है, और आप उसे ही सच्चा मानकर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन ये भी टेम्पररी विश्वास है, क्योंकि कल अगर बाई चांस आपका बिजनेस डाउन हो जाए तो आपका विश्वास कम होने लगेगा या आप बैकसाइड भी हो सकते हो। उसी प्रकार लाइफ पार्टनर के लिए या कोई भी सांसारिक इज्जत या नाम कमाने के लिए यदि आप एक पर्टिकुलर धर्म या आस्था पे विश्वास करते हो तो वो सिर्फ टेम्पररी विश्वास ही होगा, जिसको आप कभी भी त्याग सकते हो और रास्ता भटक कर नरक तक पहुंच सकते हो। अब जानते हैं स्थायी यानी परमानेंट विश्वास के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। जब आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपका आज़ाद करेगा, और उसी सत्य की खोज कर सत्य परमेश्वर को विश्वास करना ही परमानेंट विश्वास है। और सबसे बड़ा सत्य ये है कि आपको बनाने वाला सत्य परमेश्वर आपसे असीमित प्रेम करते हैं, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। उसके साथ साथ वो पवित्र और न्यायी परमेश्वर होने के कारण आपसे तो प्रेम करते हैं, लेकिन आपके अंदर जो पाप है उससे घृणा करते हैं। इसलिए जब तक आपके जीवन में पाप है, आप चाहकर भी अपवित्र जीवन के साथ पवित्र परमेश्वर से मिलाप नहीं कर सकते, यानी जब तक आप पापों से क्षमा नहीं पाते आपका उद्धार असंभव है, क्योंकि सभी मनुष्य पापी है। उदाहरण के तौर पर यदि बचपन से लेकर आज तक का आपका पूरा लाइफ का वीडियो आपको समाज के आगे या आपको अकेले में भी दिखाया जाए तो क्या आप देख सकेंगे? न जाने आपने कितने अच्छे और पाप काम किए होंगे। उन्हीं सब पापों की क्षमा यानी उद्धार के लिए आपको एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, और ये उद्धार और पापों की क्षमा आपको किसी अच्छे कर्मों द्वारा या कोई भी धार्मिक कार्य नहीं दे सकता। ये तो केवल एक सच्चे परमेश्वर ही हमें दे सकते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और यही उद्धार का विश्वास ही वो परमानेंट विश्वास है जो हर मनुष्य को करना चाहिए। जब आप सच्चे परमेश्वर को विश्वास करेंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, और आपका विश्वास भी कभी नहीं डगमगाएगा।
भले ही आपको जीवन में दुख, बीमारी या गरीबी का सामना करना पड़े, आप नहीं घबराएंगे, ना ही आप किसी बात से डरेंगे, क्योंकि आपको प्रेम करने वाला आपका खुदा आपके साथ हमेशा रहेंगे, जो आपकी हर जरूरतों को पूरी करने में सक्षम है, जिन्होंने आपको पाप से छुड़ाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें पापों से क्षमा देने के लिए उनको अपना जान देने की क्या आवश्यकता थी। यदि वे सच में सच्चे परमेश्वर होते तो क्या वे हमें यूं ही क्षमा नहीं दे सकते? क्यों उन्हें अपना जान देना पड़ा? उदाहरण के तौर पर, एक दिन एक पिताजी के घर पर ना रहने के समय यदि एक बच्चा खेलते हुए घर का बड़ा सा टीवी तोड़ दे और तभी पिताजी आ जाए, तो क्या वो पिताजी उस बच्चे को मार डालेगा? कदापि नहीं, क्योंकि वो उससे बेहद प्रेम करता है और वो उसे आसानी से क्षमा भी कर देगा। लेकिन क्या उसके क्षमा करने पर वो टीवी वापस ठीक हो जाएगा या वापस आ जाएगा? नहीं ना, उसके लिए उसको दाम चुकाकर उस टीवी को ठीक कराना होगा या नया टीवी लेकर आना होगा। ठीक उसी प्रकार हमारा पाप इतना गंभीर है कि उसके लिए हमें दाम चुकाना पड़ेगा। बाइबल रोमन्स 6:23 में कहती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। लेकिन परमेश्वर ने उस उदाहरण की तरह हमें क्षमादान दिया और हमारे पाप की सजा अपने ऊपर ले लिया। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आपका विश्वास कौन सा है, टेम्पररी या परमानेंट? यदि आपने सच्चे परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह को चंगाई पाने के कारण या चंगाई पाने के लिए विश्वास किया है, तो आपको उद्धार के विश्वास की जरूरत है। यदि आपने सच्चे परमेश्वर को चंगाई के लिए या भौतिक और सांसारिक आशीषों के लिए या सिर्फ नर्क से बचने के लिए और स्वर्ग जाने के लिए विश्वास किया है, तो आपको सच्चे पश्चाताप की जरूरत है और परमानेंट विश्वास की जरूरत है। जब आप सच्चे दिल से ये स्वीकार करेंगे कि मैं एक पापी इंसान हूँ और मेरे पाप की वजह से मैं नर्क के योग्य हूँ, पर प्रभु यीशु मसीह के महान अनुग्रह और बलिदान को विश्वास करने के कारण आज मुझे छुटकारा मिल गया, तो उसी क्षण आपको प्रभु के महान अनुग्रह से विश्वास द्वारा उद्धार मिल जाएगा। अगला प्रश्न, और ये विश्वास हमें कैसे मिलेगा, यानी विश्वास कहाँ से आता है? बाइबल अनुसार विश्वास परमेश्वर के वचन को पढ़ने से और सुनने से आती है, इसलिए हमें उस सच्चे परमेश्वर को और अधिक जानने के लिए निरंतर बाइबल पढ़ने की जरूरत है, तभी हमारा नया जन्म हो पाएगा जो उद्धार के विश्वास के बाद ही आता है। नए जन्म के बारे में जानने के लिए आप उस ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि नया जन्म क्या है और उसे कैसे पाया जाता है और नया जन्म क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, ये था विश्वास के बारे में एक इम्पोर्टेंट वीडियो। कैसा लगा कॉमेंट पे जरूर बताएं, और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी दोस्त का स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है तो जरूर शेयर करें। हम इसी प्रकार का गॉस्पेल रिलेटेड और स्पिरिचुअल ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं। यदि चैनल पर नया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।